विधानसभा चुनाव की हार से सबक लेकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दृष्टि से कांग्रेस ने अपने अहम फैसले लिए और 18 से 24 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक सम्मेलन किए जाने का निर्णय लिया है। हाल ही में हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस लोकसभा को दमखम से लड़ना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक लोकसभा प्रभारियों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन बैठकों की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 18 से 24 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठनात्मक सम्मेलन करेगी। आज हमारी 3 बैठक हुई है। सबसे पहले पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उसके बाद बैठक हुई है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, और एक बैठक भी हुई है जिसमें हमारे सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी और जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स हैं। और इस बैठक के अंदर सबसे पहले तो जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठक है उसमें ये तय हुआ है कि सभी हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर साहिबान अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और 30 तारीख तक सभी वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, मंडल हैं, सेक्टर हैं, उन सबों से चर्चा करेंगे। अग्रिम संगठन से चर्चा करने के बाद एक पैनल बना के लाएंगे। 30 जनवरी तक वो हमने तय किया है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि टिकट हम जल्दी से जल्दी आगामी लोकसभा तक दे पाए। आगे लोकसभा की क्या तैयारी होगी उसके लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, और जो भी उनके सुझाव आए हैं वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने हम पेश करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्वाभाविक है, चुनाव करीब है, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी सब तय कर दिए गए, सब लोग आने वाले 10-15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, उस हिसाब से सब प्रत्याशी को चयन होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।